ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस, मैं आपको एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है वाली फोटो। तो गाइस, आप लोग कोई भी पार्ट मिस मत करना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, पहले इस बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? आप लोग ध्यान से देख लो। एंड उसके बाद जो है आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको का जो फोटो है कुछ स्टेप्स आपको क्लिक करवाना है। पोज वगैरह आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो पोज वगैरह आपका ये रहेगा, बाकी आपको उसका बैकग्राउंड रेज कर लेना है, ठीक है? बैकग्राउंड रेज कैसे करना है उसको तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, पर मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, जिस मॉडल जो आपका मॉडल है जिसका आपने कटआउट निकाला है, आपको सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे इसको कैसे लगाना है वो आप लोग पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि गाइस यहाँ पे ही थोड़ा सा मतलब आपकी मेहनत करना है आप सभी को। आप लोगों को करना क्या, कैसे कि पहले आप लोग है ना यहाँ पे मॉडल को देख लेना अपना, कि जो आपका हैंड है वो यहाँ पे दूसरे वाले जो यहाँ पे फ्रंट सामने जो मॉडल है उसके हैंड के पास ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है? मतलब आपको जो है आपको अपना हैंड कुछ इरेज उरेज करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट मतलब कि आपको उसके हैंड तक आपको पहुँचा देना है। मैंने उसमें हैंड पहले से ही ऐड कर रखा है, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, क्योंकि गाइस हर कोई जो है मतलब कि सेम मतलब एकदम फोटो वैसे नहीं बना पाएगा, है ना? मतलब कि हैंड तो हैंड कैसे पकड़वाएंगे तो एडिटिंग में, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो काफ़ी लोगों से हो भी जाएगा बट कुछ से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो बाकी इरेजर टूल में जाके आपको सब कुछ अपना इरेज करना है, ठीक है? एंड उसका इन्वर्ट करके इस तरीके से आपको फिर पेंट करना है, ठीक है? जहाँ जहाँ पे आपका मॉडल है वहाँ पे आपको पेंट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से एकदम एंड मतलब थोड़ा ध्यान से करना, केयरफुली, बिल्कुल कोई भी पार्ट रहना जाए, ठीक है? इस तरीके से आपको इरेज करना है। बाकी गाइस, आपको जो है मतलब कि जो आपका मॉडल दूसरा वाला जो मॉडल है उसका हाथ जो है आपके मतलब कि आपके सामने होना चाहिए ऊपर की साइड में, तो आपको इरेज करके जो है इसको फ्रंट की साइड में लेकर आना है, ठीक है? इस तरीके से स्क्रीन को आप एकदम ध्यान से देखो, एकदम मतलब अच्छे से समझना है, ठीक है? आप लोगों को जब ही आप लोग इसे सेम कर पाओगे एडिट, ठीक है? तो अभी हम इसको करते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को जो ऊपर हैंड जो रह गया है उससे आपको उसको मिलाना है। मिलाना कैसा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? बाकी आप लोग जो है इसको अच्छे से करो, ठीक है? यहाँ तक मैं इसको करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सुबह जितना सब कुछ कर देने के बाद आप लोगों को अपने मॉडल को लेके जाना फिर इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कलर्स में ले जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस ब्राइटनेस में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, क्या गाइस आप लोगों को जाना है ऐसे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद जो आप सभी को पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कितना ब्राइटनेस आपको चाहिए, मतलब आपकी फोटो के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको जो उसमें जो दूसरा हैंड है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्राइटनेस रखनी है अपने हाथ में, ठीक है? तो बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो हम यहाँ पे इरेजर टूल में जाके इसको इरेज करेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे हमें वो मतलब ब्राइटनेस चाहिए वहाँ वहाँ पे सिर्फ पेंट करेंगे, ठीक है? जहाँ जहाँ पे हमें ब्राइटनेस चाहिए सिर्फ वहीं, उससे अगर इधर उधर हो जाता है तो उसको इरेज कर लेना, ठीक है? वरना पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाई है, ठीक है? तो इसको हम फटाफट करते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इसको मर्ज करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन, ठीक है? आपको उसको में जाना है। फिर उसके बाद आपको करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में दोबारा। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद सिंपली आपको अपने हैंड के ऊपर ही चाहिए तो फिर वहीं पे आपको पेंट करना है, ठीक है? तो हम इसका जो क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा जो है साइज कम कर लेंगे। एंड बाकी हम इसके ऊपर हैंड के ऊपर पेंट करेंगे ताकि जो है मतलब हैंड हैंड तक ही रहे, उसके अलावा और कहीं ना रहे, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ जो है मतलब कि यार आपको करनी है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पर जरूरत है, ठीक है? उसके बाद आपको उसको कर देना है डन। एंड डन कर देने के बाद जो आपको दिखेगा, अगर यहाँ पे अभी कुछ पार्ट रह जाए आपका मैच करने से, तो आप उसे घबराना मत, हम उसको वहाँ पे लाइटर मैप में भी इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है? तो अब इसको हम करते हैं, इसको कर लेते हैं डन। सो गाइस, जितना हो जाने के बाद जो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को अपनी इस फोटो में जो है एक विग्नेट भी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको विग्नेट का PNG भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? आपको उसको डाउनलोड करके आपको सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करके इस तरीके से ऐड कर देना है, जो कि गाइस नीचे की तरफ जो डार्कनेस है ना वो एकदम इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों मॉडल के बराबर, ठीक है? तो ये PNG आपको ऐड जरूर करना है। देन उसके बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसको सेव करके लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, ठीक है? तो अभी हमने इस लाइट रूम ऐप में इसको ऐड कर लिया है, तो अब आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है
हाईलाइट जो है इसको आपको कम करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो, शेडो को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, एंड मिलेगा आपको व्हाइट, आपको इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड जो मिलेगा ब्लैक आपको भी इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जाना आपको यहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है, एंड इसको कम कर देने के बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको सेलेक्ट करना है, एंड सैचुरेशन आपको हल्का सा कम करना है,